20 या 21 मार्च कब है आंवले की एकादशी? जाने इस व्रत का महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक माह में दो बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी मनाई जाती है, लेकिन 24 एकादशियों में से कुछ एकादशी ऐसी है जिन्हें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च को है, जिसे आम लकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करने का विधान है। अयोध्या के ज्योतिषी नीरज भारद्वाज के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आंवला की एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ विशेष तौर से आंवले के पौधे का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। साथ ही इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। आंवला एकादशी की शुरुआत 20 मार्च 2024 को प्रातः 12:21 पर शुरू होगी और अगले दिन 21 मार्च 2024 को प्रातः 2:22 पर इसका समापन होगा। उदयातिथि के अनुसार आंवला एकादशी का व्रत 20 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। वहीं अगर इस व्रत की विधि के बारे में बात की जाए तो आंवले की एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए, इसके बाद पूजा घर को साफ करना चाहिए, एक वेदी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, भगवान विष्णु का पंचामृत से स्नान करना चाहिए, पीले फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए, हल्दी अथवा चंदन का तिलक लगाना चाहिए, पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में चल रही तमाम परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार हम पूजा पद्धति करते हैं उसी प्रकार एकादशी के दिन व्रत रखकर भी लोग पूजा करते हैं। कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं तो कई लोग फल का व्रत रखते हैं।